So in this video, I'll be covering the next poem by Naseem Shefe, entitled as Solitude for the Girl Child. So previous video में मैंने cover किया था, Naseem Shefe की ही एक poem है, Neither a Shadow nor a Reflection, जो कि BGC 111 में है, Block 2nd, Unit 4th. So ये जो text है, Solitude for the Girl Child, ये जो poem है, it is translated from Kashmiri by G.L. Gabru. ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है और इसके एनालिसिस भी काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ईजिली आप समझ पाओगे. तो पहली लाइन तो रट लिया करो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़रूरी होता है. पहला लाइन में आपको पूरा जो स्टाइल है पोएम का वो बताया जाता है. जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है, इट इज़ अ टचिंग लिरिक. टचिंग मतलब हार्ट टचिंग है, और लिरिकल है, म्यूजिकल है, फुल ऑफ स्टार्टलिंग इमेजेस है. काफ़ी इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, और ये एक मदर का प्रेयर है अपनी डॉटर के लिए. और बहुत सिंपली, बहुत ही ईजिली मैं समझाने की कोशिश करूँगी. इस पोएम में जो मदर है वो अपनी बेटी के लिए प्रे कर रही है कि जब उनकी ये जो बेटी है वो जब बड़ी हो जाएंगी तो उनके इन लॉज और उनके हस्बैंड उसको अच्छे से ट्रीट करें. उसके लिए वो प्रे कर रही है कि जिस तरीके से उनको एक एज अ प्रिंसेस अपने घर में रखा जाता है, सेम उस तरीके से हस्बैंड और इन लॉज भी उस बच्ची को ट्रीट करें जब वो शादी करके एक दूसरे घर में जाती है. इस बुक के हिसाब से कुछ लाइन्स अगर हम देखें, कुछ एक्सप्लेनेशन अगर हम समझें, तो हम ये देख सकते हैं कि जो मदर है वो मतलब बहुत सैड और उदास फील कर रहे हैं, उनका हार्ट रिप अपार्ट कर रहा है ये सोच करके कि एक दिन उनकी बेटी जो है वो उनको छोड़कर एक अनफेमिलियर घर चली जाएगी जहाँ बहुत ही अनफेमिलियर लोग होंगे जो शायद उसके यूनिकनेस को वैल्यू नहीं करेंगे. वो कोशिश करेंगे कि जैसे उनकी फैमिली है वो लड़की भी वैसे बन के रहे, अपने आप को चेंज करे. यू नो फॉर श्योर दैट ऑल पेरेंट्स ट्रेजर देयर चिल्ड्रन. ये तो बात आपको पता ही होगी कि कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते होंगे. तो हमें ये नोटिस करना है कि जितने भी लोग हैं वो स्पेशली अपने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव तो होते ही हैं, साथ साथ चिंता में रहते हैं, बहुत ही वरिड रहते हैं हमेशा. और वो तो हम जानते हैं कि कितना क्राइम होता है, कभी भी गर्ल कहीं पे भी सेफ फील नहीं करती. तो ऑफ कोर्स इन सब रीज़न के वजह से जो पेरेंट्स हैं वो लड़की को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कहीं आने से जाने से, या फिर किसी टाइम पर टैबू करते हैं कि हाँ इस टाइम के बाद तुम्हें बाहर नहीं जाना है. तो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं हमारे साथ, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट वो एक्चुअली गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सोचते हैं, उन्हें बहुत चिंता होती है कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए. तो ये सब चीज़ें इस पोएम से आप समझ सकते हो, खुद से एनालाइज कर सकते हो. मदर्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू नेवर हैव बैड एक्सपीरियंस. कौन चाहेगा कि उनके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो. और एक जो मदर है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, शी फील्स हेल्पलेस व्हेन हर डॉटर गेट्स मैरिड एज आफ्टर हर मैरिज द डॉटर बिकम्स पार्ट ऑफ हर हस्बैंड फैमिली वेयर हर पेरेंट्स कैन ओनली बी विजिटर्स. इंडियन का जो मतलब इंडिया का जो ये ट्रेडिशन है मैरिज का, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है इंडिया में, इसमें जो नॉर्मली मदर्स होती हैं उनको बहुत हेल्पलेस फील होता है. क्यों? क्योंकि वो चाह कर भी अपनी बेटी के शादी के बाद चीज़ों को ठीक नहीं कर पाती. उनको हेल्पलेस फील होता है कि अगर कुछ बुरा हुआ, अगर उनकी बेटी वहाँ पे सेटल नहीं हो पाई तो वो क्या करेंगी, क्योंकि वो इन लॉज के घर में, अपनी बेटी के इन लॉज के घर में एज अ विजिटर ही बस जा सकती हैं. तो ये चिंता बताया जा रहा है एक मदर का इस पोएम में. और यहाँ एक और बात बताई जा रही है कि मदर जो है वो बहुत ही वरिड है ये लेकर के कि मैरिटल होम में उसे बहुत ही इनडिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, जहाँ उसे प्यार नहीं किया जाएगा, उसको लैक ऑफ लव फेस करना होगा. और इन सब चीज़ों के वजह से वो बच्ची जो है बड़े होकर बहुत ही रेस्टलेस और स्लीपलेस हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें बस पूरे पोएम में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, एक मदर जो है अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता में डूबी है, एंड लगातार वो प्रे कर रही है कि उस बच्चे के साथ कुछ खराब ना हो और वो जहाँ भी जाए उसे रिस्पेक्ट किया जाए, उसके यूनिकनेस को वैल्यू किया जाए. ठीक है, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो मदर है वो सोरोफुल भी है, वो सैड भी फील कर रही हैं क्योंकि वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही चिंता में है. और उनको लगता है कि काश वो
मतलब विश कर रहे हैं कि काश जिस तरीके से अभी उनकी बेटी को इतना प्यार और रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, सेम उस तरीके से उनको इन लॉज के घर में भी दिया जाए। द पोएम्स टाइटल इज़ हर डेस्परेट डिज़ायर टू लेट हर डॉटर बी हर सेल्फ। और पोएम का जो टाइटल हम देखते हैं सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड, वो सॉलिट्यूड का ये मतलब कि उस लड़की को अपनी आइडेंटिटी दी जाए, उसके अंदर जो यूनिकनेस है उसे लोग चेंज करने की कोशिश नहीं करें, लोग उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, बस उसको एक्सेप्ट करें। और ये जो वर्ड है सॉलिट्यूड, ये एक सेंस ऑफ कंफर्ट दिखाता है कि एक पर्सन को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, उसको कंफर्टेबल और खुशी खुशी जीने दे रहे हो अपने आइडेंटिटी के साथ, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। और गर्ल चाइल्ड सजेस्ट अ प्री प्यूबर्टी गर्लहुड विच इज़ सिग्निफिकेंट, सिंस वंस द चाइल्ड ग्रोज इनटू अ यंग गर्ल सोसाइटी विल नॉट लीव हर अलोन। द मदर वॉन्ट्स अ डॉटर टू हैव अ केयर फ्री चाइल्डहुड, मतलब वो चाहते हैं कि चाहे फ्यूचर जैसा भी हो, चाइल्डहुड एटलीस्ट अच्छा हो, वो चाइल्डहुड केयर फ्री हो और उस चाइल्डहुड में उसे कोई टेंशन ना हो फ्यूचर का। और शी इज़ अफ्रेड दैट हर लाइफ कुड बी केओटिक इन द फ्यूचर, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है उसे कैओस का सामना करना पड़े, बट एटलीस्ट जब तक वो उनकी आंखों के सामने उनके साथ रह रही है तब तक वो सही रहे, वो केयर फ्री रहे, उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं हो। और ये जो पोएम है ये याद रखना कि इट इज़ कंपोज्ड एज अ प्रेयर टू ऑल दोज हु केयर टू हियर, एज अ पोयर प्रेयर इस पोएम को कंपोज किया गया है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि कितने ब्यूटिफुल इस पोएम को शुरू किया गया है, जेंटली राउज हर, मतलब उसे धीरे से उठाना। टेल्स अस दैट द गर्ल चाइल्ड इज फास्ट स्लीप, हमसे ये समझ हम लोग इस लाइन से ये समझ पा रहे हैं कि ये जो लड़की है, जो बच्ची है, वो बहुत नींद से सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। एंड जो मदर है वो कह रही है कि उसे धीरे से उठाना। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि राउज को एज अ साइनोनिम यूज़ किया गया है फॉर अवेकन। द पोएम यूजेज द इमेज ऑफ स्लीपिंग गर्ल टू पोर्ट्रे इनोसेंस, और स्लीपिंग गर्ल इसीलिए दिखाया गया, उसको खेलते हुए भी दिखा सकते थे, उसे खाते हुए, पढ़ते हुए, कुछ भी करते हुए दिखा सकते थे, बट उसे सोता हुआ ही दिखाया गया, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जब सोती है तो वो पोर्ट्रे करती है इनोसेंस को। बट हु विल सूनर देन लेटर बी मेड अवेयर ऑफ द रियल वर्ल्ड, जब वो बड़ी होगी या फिर कुछ ही दिनों में उसे रियल वर्ल्ड के बारे में अवेयरनेस मिलेगी। और द मदर नोज दैट हर गर्ल चाइल्ड इज़ जस्ट अ चाइल्ड कम्प्लीटली ट्रस्टिंग, शी स्लीप्स विदाउट अ केयर, अभी ना वो बिल्कुल केयर फ्री है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, अभी वो बहुत ही आराम से सो रही है, उसके आँखें जो है वो हाफ ओपन है। और ये जो हाफ ओपन पिक्चर दिखाया गया इस पोएम में, ये इसी को इमेज कहते हैं, हाफ ओपन आइज, क्योंकि किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, आप अपने दिमाग में इमेज रख सकते हो कि कोई बच्ची है, सो रही है, उसकी आइज जो है वो हाफ ओपन है। तो हाफ ओपन यहाँ क्या किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, तो इट शोज इनर्जी एंड क्यूरियोसिटी एंड लाइक एवरी अदर चाइल्ड वैरी ऑफ अनफेमिलियर फेसेस, हर एक बच्चे में जो एनर्जी और क्यूरियोसिटी होती है उस वजह से वो लोग हाफ ओपन आइज में सोते हैं। और जो गर्ल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, इनोसेंट है, इस वजह से उसके मदर को चिंता होती है कि हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसके इनोसेंस के वजह से उसे मिसट्रीट ना किया जाए। द नेक्स्ट स्टैंजा सबटली leads us to the answer, after we are made to understand the society in which the family lives and their social status and standing, mother confesses. अब यहाँ जो है next stanza में आप देख पाओगे कि बहुत ही खूबसूरती से उस बच्चे के फादर के बारे में बताया जा रहा है, वो जो मदर है वो ये बता रही हैं कि जो बेटी है वो अपने फादर की भी प्राइड है, वो इस तरीके से प्राइड है जिस तरीके से लोग जो है कैप पहनते हैं या टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो एज अ रिस्पेक्ट पहनते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका प्राइड है, तो उस तरीके से उनकी बेटी उनकी प्राइड है। और अगर उस पगड़ी को कैजुअली ट्रीट किया जाए, अगर वो जो फादर है वो अपने डॉटर को अच्छे से ना ट्रीट करे, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्राइड को ही गलत प्रूव करेंगे, मतलब अपने प्राइड को, जो प्राइड उनकी बेटी है उसे ठीक से ट्रीट करना है, ऐसा उनकी मदर चाह रही हैं। एंड देन सिमिलरली द फादर भी जो है वो भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं अपनी बेटी की डिग्निटी के लिए, एंड द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दैट इज डॉटर मे बी डिसरिस्पेक्टेड अपसेट्स हिम, और उनको लगता है कि मतलब उनको अगर ऐसा फील होता थोड़ा सा भी अगर उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो कितना अपसेट होंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स द मदर्स हार्ट एज अ बॉक्स, यहाँ एक और मेटाफर आपको मिलेगा कि ये जो मदर है उनका जो हार्ट है वो एक चेस्ट है, वो एक बॉक्स है जिसमें कुछ क्रैक्स हैं, और वो क्रैक किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, तो उस क्रैक के थ्रू
उस बॉक्स के अंदर कुछ गलत थॉट्स जा रहे हैं, मतलब वरी जा रहा है, वरी कीप्स स्मगलिंग इन टू हर हार्ट। वो हमेशा चिंतित है कि क्या जो चीज़ें वो प्रे कर रही है अपनी बेटी के लिए, क्या भगवान उसको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उनकी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा, किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा। द चाइल्ड इज़ हर फादर्स प्राइड एंड अ प्रोडक्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग। और कोई भी जो बच्चा होता है वो अपने फादर का प्राइड होता है, एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से उसे बड़ा किया जाता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। जो भी उसमें क्वालिटीज़ इंस्टिल किए जाते हैं वो क्वालिटी उसके साथ बड़े होने तक रहता है। एंड शी इज़ द वन हु विल नाउ बी द अपहोल्डर ऑफ हिज वैल्यूज़। और उसके फादर के जो वैल्यूज़ हैं वो उसके डॉटर कैरी करेगी आगे। शी हैज़ टू लिव हर लाइफ विथ कॉन्सिड्रेशन टू द फैमिलीज ट्रेडिशंस विदाउट ब्रेकिंग डाउन द सोशल स्ट्रक्चर। द डॉटर इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ये हमें बता दिया गया। और उस डॉटर को एक हावरी की तरह डिस्क्राइब किया गया है, एक लड़की जो इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है, दैट शी सीम्स टू बी अ गिफ्ट ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। ना हाइपरबोल का यूज़ करके यहाँ पे बताया गया है कि उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। एंड दिस वरीज द मदर बिकॉज द गर्ल वुड सूनर और लेटर हैव अ स्ट्रिंग ऑफ एडमायरर्स, और उसके काफ़ी सारे एडमायरर्स होंगे इस रीज़न से जब वो बड़ी होगी। और इस थॉट से वो थोड़ा सहम जाती है उसकी मदर कि उसे बड़े होकर कुछ अनफेमिलियर लोगों के बीच में जाना होगा हु मे एडमायर हर, एंड दिस थॉट मेक्स हर जिटरी। द मदर बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्शियस थिंकिंग ऑफ व्हाट विल हैपन टू हर डॉटर हु विल हर हु इन हर पेरेंटल होम हैज़ ऑलवेज स्लेप्ट अनडिस्टर्ब एंड ओनली बीन स्पोकन सो सॉफ्टली। मतलब उसे अपने पेरेंटल हाउस में, मतलब अपने मदर एंड फादर के घर में बहुत ही धीरे से उठाया गया, उसे हमेशा ठीक से बात किया गया, बहुत सॉफ्टली उसे बात किया गया। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब वो अपने इन-लॉज के पास भी जाएगी तो हो सकता है उसे उतना रिस्पेक्ट ना मिले, लोग उससे बहुत रूड से बात करें। अगर वो लोग बहुत लाउड और डिसरिस्पेक्टफुल होंगे वुमेन के तरफ तो उस बच्ची को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ों से उसकी जो मदर है वो परेशान है। द पोएट एंड्स ऑन एन एजिटेटेड नोट विद द मदर वॉइसिंग हर ग्रेटेस्ट फियर दैट हर डॉटर में लूज हर पीस ऑफ माइंड कम्प्लीटली एंड नेवर एवर स्लीप अगेन। तो ध्यान रखो, ये कितनी अच्छी बात है यहाँ पे इस पोएम में, ये शुरुआत भी हुई थी स्लीप से रिलेटेड, एंड भी हो रहा है स्लीप से रिलेटेड। शुरुआत में वो कह रही है कि उनकी जो बेटी है उनको जेंटली अराउज है, मतलब उसे धीरे से जगाओ, और लास्ट में वो ये कह रही है कि हो सकता है कि आगे जा कर के जब उसकी शादी हो जाए, जब उसकी मैरिज हो जाएगी तो लोग उसे इतना परेशान करें, वो अपने इन लॉज के पास जाकर इतना परेशान ना हो जाए कि वो सोना ही भूल जाए, वो चैन से सो ही ना पाए। तो ये सारे थॉट्स उसके मदर के माइंड में आ रहे हैं। और द पोएम इज़ अ मदर्स डिस्परेट होप दैट हर चाइल्ड ऑलवेज हैज़ अ काम एंड पीसफुल लाइफ सॉलिट्यूड इवन वेन शी लिव्स अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स विद हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली। वो जहाँ भी जाए वो एक सॉलिट्यूड का लाइफ जिए, अपनी यूनिकनेस के साथ रहे, उसे चेंज करने की कोशिश ना की जाए एंड उसे रिस्पेक्ट किया जाए। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ अ पर्सनल स्पेस वेयर वी कैन डू थिंग्स लाइक एंड बी द वे वी वॉन्ट टू बी। वी आर केयर फ्री एट होम, वंस वी लीव होम वी आर एक्सपेक्टेड टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच समटाइम्स ब्रेक अस। और हम लोग में से कोई भी अलोन नहीं रहना चाहता है, लेकिन हम लोग में से कोई डिजर्व भी नहीं करता है कि हम फॉर ग्रांटेड लिए जाएं या फिर इल ट्रीट किए जाएं। मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है अनकम्प्लेनिंग इवन आफ्टर डूइंग बैक ब्रेकिंग कोर्स। आप चाहे घर के कितने भी काम कर लो, बहुत वुमेन के साथ ऐसा सीन है कि आप चाहे कितने भी काम कर लो स्टिल अगर आप कुछ चीज़ों के लिए कंप्लेन करो तो मुंह बंद करवा दिया जाता है। एंड इसी कोर्स में आपने अगर पढ़ा होगा अ किचन इन द हाउस इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, जो C.S. लक्ष्मी की टेक्स्ट प्रिस्क्राइब की गई है शॉर्ट स्टोरी वाले ब्लॉक में, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो लोग किचन में पूरे दिन काम करती हैं, सबका पेट भरने का काम वो वुमन कर रही है, बट जब वो कहती हैं कि उन्हें किचन में एक न्यू बेसिन की ज़रूरत है तो उनके मुँह को बंद करवा दिया जाता है। ये कह के कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम पढ़ाई हो, एंड यू शुड जस्ट शट योर माउथ एंड डू द वर्क, ऐसे करके उसके इन लॉज उसका मुँह बंद करवाते हैं। तो आप कंडीशन देख सकते हो। इन सब चीज़ों से उसकी मदर जो है बहुत ही चिंते में।
यू विल अग्री विथ मी दैट द पोएम एंड्स ऑन अ नोट विच इज हार्श एंड ट्रबलिंग बट रियलिस्टिक. अ गर्ल्स इनोसेंस एंड अट्रैक्टिवनेस कैन गेट हर अ सूटर बट कैन नॉट गारंटी हर सॉलिट्यूड एंड कीप हर सेफ फ्रॉम अब्यूज. वो गर्ल का जो इनोसेंस और अट्रैक्टिवनेस है उससे वो उसकी शादी तो हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, ये वो जानती है, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि उसे सॉलिट्यूड मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड अब्यूज से वो सेफ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी. वो इन सब बातों से बहुत ही परेशान है. एंड इन सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड वी कम अक्रॉस अ मदर्स ओवरवेलमिंग कंसर्न फॉर अ डॉटर हु इज स्टिल टू बिकम अ वुमन. द मदर वरीज दैट हर लिटिल गर्ल हु इज एट प्रेजेंट फुल ऑफ लाइफ स्पॉन्टेनिटी हैप्पीनेस विल सून बी फोर्स बाई सोसाइटी टू फॉलो सफोकेटिंग कस्टमरी प्रैक्टिसेस. अभी वो डॉटर जो है वो फुल ऑफ लाइफ है, स्पॉन्टेनिटी है उसमें, हैप्पीनेस है, एक वाइटैलिटी और एनर्जी उसमें बबल कर रही है. वो आगे जाके ये सब चीज़ें उसमें सफोकेट करवा दी जाएंगी, वो सफोकेट करेगी ऐसे सोसाइटी में यहाँ के कस्टमरी प्रैक्टिसेस की वजह से. These customs will require the child to marry and become an obedient and unquestioning wife. जो चुप रहे हमेशा और एक एक बात को बिना सोचे समझे बस मानती जाए. And mother and daughter in law who will have no choice but to do what her in laws will ask her to do. The mother prays that her daughter will be looked after in her husband's home, which will be in a strange land with unfamiliar customs. वो प्रे करती हैं उनकी जो मदर हैं कि जब वो अपने इन लॉज के घर जाए, जब वो अपने हस्बैंड के घर जाए, तो वो एक ऑफकोर्स स्ट्रेंज लैंड में होगी जहाँ पर जो कस्टम्स होंगे वो बहुत ही अनफेमिलियर होंगे. हर घर का अपना एक अलग कस्टम होता है, कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं जो हर फैमिली फॉलो करती है. तो वो मदर जो है वो प्रे कर रही हूँ कि डॉटर जहाँ भी जाए उसका देखभाल किया जाए. शी शुड बी लुक्ड आफ्टर. And this poem grieves over the inescapable loss of the girl's spontaneity, freedom and carefree ways. तो इसके साथ ये poem end होती है और आप ये लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि इस poem में main point तीन ही है. First point ये है कि जो mother है वो pray कर रही है for her daughter's life. जब वो बड़ी हो जाए तो उनका life जो daughter का है वो अच्छा हो. और second चीज़ ये कि अपने बेटी के लिए जो कंसर्न है वो बता रही हैं, जो भी वो सोच रही हैं वो एकदम कंसर्न्ड है लेकर के अपनी बेटी के लिए कि उसे ठीक से ट्रीट किया जाए. जैसे प्यार उसे अभी मिल रहा है उस तरीके का प्यार उसे हस्बैंड के घर जाने के बाद भी मिले. और तीसरा एक ग्रीफ भी देखने को मिल रहा है, ग्रीफ जो उसके मदर के दिल में है, जो वो अंदर से कहीं ना कहीं जान रही हैं कि उनका प्रेयर जो है वो पूरा सच नहीं हो पाएगा, बट स्टिल कोशिश कर रही हैं एंड वो ग्रीव कर रही हैं बार बार कि कुछ ऐसा गलत ना हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इस पोएम में जो आपको याद रखनी थी. सो आई होप ये समझ में आया होगा पोएम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.